हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। बॉलीवुड की चुलबुली आलिया भट्ट आए दिन सुर्खियों का विषय बनी रहती हैं। ऐसे में अगर चुलबुली आलिया को देखा जाए तो हर कोई उनकी खूबसूरती का दीवाना है। वहीं हाल ही में आलिया भट्ट की दोस्त आकांक्षा रंजन सुर्खियों का विषय बन चुकी हैं। हाल ही में आकांक्षा रंजन का नाम बल्लेबाज केएल राहुल के साथ जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि केएल राहुल कॉफी विद करण फाइस्को के बाद हाईलाइट से दूर रहे, लेकिन जहां पर हास्य के रूप में बताते हुए शो में कई सारी टिप्पणियां की गईं, जिसके लिए उनके और हार्दिक पांडे की आलोचनाएं की गईं। लेकिन अब भारतीय बल्लेबाज आलिया भट्ट की सबसे अच्छी दोस्त आकांक्षा रंजन कपूर से जुड़ने की अफवाहों के लिए उन्होंने अपनी चुप्पियां तोड़ दी हैं। जी हाँ, जानकारी के लिए बता दें कि आकांक्षा ने केएल को उनकी सबसे अच्छी दोस्त आलिया भट्ट और उनके भाई रणबीर कपूर से मिलवाया। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान बल्लेबाज ने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में साझा करते हुए इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों के बारे में लिखा गया है, मैं वास्तव में कागजात नहीं पढ़ता, इसलिए मुझे नहीं पता कि मेरे बारे में क्या लिखा गया है। मैंने अपने निजी जीवन को निजी जीवन रखना अच्छा समझा है और इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं अभी क्रिकेट के लिए प्रतिबद्ध हूँ। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अकेले हैं या नहीं, राहुल ने इस बात पर कहा कि मैं वास्तव में नहीं जानता, जब मैं ये पता लगाऊंगा तो मैं आपको फोन करके बता दूंगा। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव से। प्रांशी की रिपोर्ट।